कोरोना वायरस को हमारे जीवन में आए करीब 1.5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है और समय समय पर इसके नए वेरिएंट भी सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी तक जितनी भी वैक्सीन आई हैं, वो कोरोना पर काबू तो पा सकती हैं, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती हैं। लेकिन अब मार्केट में एक ऐसी लेजर डिवाइस सामने आई है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ये कोरोना वायरस को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। इस डिवाइस को संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने इटली की टेक कंपनी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर बनाया है। इस डिवाइस पर दोनों ने ही पिछले साल काम करना शुरू कर दिया था जब इटली कोरोना की मार झेल रहा था। इस डिवाइस को लेकर दावा किया जा रहा है कि इससे निकलने वाली लेजर हवा में मौजूद वायरस और घातक बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। डिवाइस की लेजर बीम से होकर हवा गुजरेगी, वहीं ये डिवाइस 50 मिलीसेकंड में ही वायरस और बैक्टीरिया को खत्म कर देगी। इस डिवाइस को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है, ये डिवाइस सिर्फ हवा में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया को ही खत्म कर सकती है। अगर कोई वायरस हवा से फर्श पर गिर जाता है तो ये डिवाइस काम नहीं करेगी। वहीं यदि कोई व्यक्ति छींकता है तो भी ये डिवाइस वायरस पर प्रभावी नहीं रहेगी। ये तो बात हुई डिवाइस कब काम करती है और कब नहीं, लेकिन जब भी मार्केट में कोई नई चीज आती है तो उसके दो पहलू होते हैं, अच्छे या बुरे। ऐसा ही कुछ इस डिवाइस को लेकर भी सामने आ रहा है। जर्नल ऑफ फोटोकेमिस्ट्री एंड फोटोबायोलॉजी के एक लेख में डिवाइस से कैंसर का खतरा बढ़ने की तरफ इशारा किया गया है। वहीं इस डिवाइस को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस को मारने की ये तकनीक सेफ नहीं है। दूसरी तरफ इस डिवाइस के बनाने वालों ने इन सभी रिपोर्टों को खारिज किया है। उनका कहना है कि इससे निकलने वाली लेजर कभी इंसान की स्किन के कांटेक्ट में नहीं आती है, इसलिए इससे कैंसर का खतरा नहीं है। अब बात भले कुछ भी हो, लेकिन कोरोना से तो हर कोई खुद को बचाना चाहता है, भले ही इसके लिए कितना भी रिस्क क्यों ना लेना पड़े। अब आपके जहन में ये सवाल होगा, ये डिवाइस मार्केट में कब तक आएगी? तो ये डिवाइस फिलहाल तो कस्टमर्स के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन जर्मनी और UAE के मार्केट में इसको लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया चल रही है। वैसे इस डिवाइस को बनाने वाली कंपनी को अभी से ही कस्टमर्स मिलने लगे हैं। कंपनी की कोशिश है कि वो इस डिवाइस को जल्द से जल्द इंटरनेशनल लेवल पर ले जाए, क्योंकि डिवाइस के छोटे साइज की वजह से इसे कहीं भी ले जाना काफी आसान है। ऐसे ही और खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।